अब्दुल, वो स्टेशनरी वाले को मैंने चेक दे दिया है। हाँ, वो हिचकिचा रहा था लेकिन मैंने फिर भी उससे 15% का डिस्काउंट ले ही लिया। चलो। अरे ये क्या है? मेरा टैलेंट। आपने ही बोला था ना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है माधवी, तुम अपना टैलेंट दिखाओ। और जाते जाते आपने ये भी बोला था कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है माधवी, तुम कर लोगी। तो मैंने कर लिया। क्या बोल रही हो माधवी? एक मिनट है। ये तो हमारे जमाने की चीज है। हाँ, जो फेंकनी है। क्या बोल रही हो तुम माधवी, फेंकना है? अरे ये सिर्फ मेरी पुरानी चीजें नहीं है, मेरे दिल के टुकड़े है। मैं सोनू और सखाराम, हम तीनों क्या है फिर? नहीं मतलब तुम तीनों भी हो? हम तीनों ही हैं। ये सब सिर्फ चीजें हैं और वो भी पुरानी, जो फेंकनी है अभी। याद है आपको पुराने तेल रखने की वजह से कितनी परेशानी हुई थी? सिर्फ हम नहीं, पूरी सोसाइटी परेशान हो गई थी उसकी वजह से। तुम कुर्ता उतारो भिड़े मास्टर, तब उसे ना पिचकारी में पानी भरो और भिड़े मास्टर को पानी से नहला दो। कौन सा ऑयल लगाया था? वो जिसे मालिश करते ना, वो ऑयल। अपने मालिश वाला तेल यूज किया था? हाँ। लेकिन वो बोतल तो मैंने कब की फेंक दी थी? हाँ, लेकिन उसपे ऑयल बचा हुआ था इसलिए मैं वापस रख दी थी बोतल। कुशाला, एक्सपायर्ड तेल था वो, इसीलिए तो फेंक दी थी मैंने। माधवी, वो तेल मैंने कब का फेंक दिया था जिससे मुझे खुजली हुई थी? अभी इन सब चीजों की वजह से थोड़ी ना कुछ होगा मुझे। अच्छा? हाँ? ये क्या है? ये तो नीम का इत्र है माधवी। पता है माधवी, इसे लगाने से मच्छर और मक्खी दूर रहते हैं। बरोबर, अभी मैं भी आपसे दूर रहूंगी, चलेगा आपको? क्यों? ओहो, कितना पुराना इत्र है, कितनी बदबू आ रही है उससे। माधवी, बदबू नहीं खुशबू। वो आ रही है उससे, सर दर्द होता है मुझे, इसे फेंकना ही है। अच्छा ठीक है। ए, ये कंघी तुम्हें क्यों फेंकनी है माधवी? इससे तो ना ही खुजली होती ना ही सर दर्द। स्कूल के जमाने से इतनी सारी कंघी जमा करके रखी है, कंघियां बढ़ रही है, बाल कम हो रहे। ठीक है, तो ये दो कंघियां ना, इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको रखते हैं ना, तुम और सोनू तो यूज कर सकते हो ना। अजीब बात नहीं, सोनू और मैं स्टाइलिश ब्रश यूज करते हैं आजकल, ये पुरानी कंघी हम लोग नहीं यूज करेंगे। ये पेन क्यों फेंकनी है तुम्हें माधवी? है नीफ है उसमें, किस एंगल से पेन हुआ ये? काम का है कुछ? पता नहीं, नीम कहीं हो चुकी है इसकी, इसीलिए कह रही हूँ पुराना हो गया, एक देने चाहिए। मेरे मोजे माधवी, तुम ये मोजे, ये बनियान फेंक रही हो? अरे ये मेरी पहली कमाई की खरीदी है, तुम्हें रिस्पेक्ट ही नहीं है? मुझे बिल्कुल याद है और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके पहले कमाई की खरीदी की, इसलिए मैंने पायजमा लिया था ना, आपने वो रखा है अभी तक। लेकिन बनियन बहुत फट चुकी है, बहुत पुरानी हो गई है, क्या फायदा उसको रख के? और मोजे तो मोजे रहे ही नहीं, स्टॉकिंग्स हो गए उसका, इनको तो आपको फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है। ए, मेरे पुराने मोबाइल का चार्जर क्यों फेंकना है तुम्हें? पुराना मोबाइल दीजिए। अच्छा ठीक। माधवी, एक शिक्षक के घर से डस्टर फेंक रही हो तुम? और डस्टर घिस चुका है बहुत, क्या काम का, फेंक दीजिए ना, है ना नए आपके पास, दो दो। माधवी, मेरा पुराना बेल्ट फेंक दिया, अच्छा किया तुमने। मेरा पुराना इंकपॉट, चाबियों का गुच्छा, पुराना ताला, ये सभी फेंकना है तुम्हें? आपके स्कूल के जमाने के इंकपॉट ने मेरी पैठन जैसी साड़ी को खराब कर दिया था, को मैंने पैसे जोड़ जोड़ के खरीदा था, याद है ना आपको? इसको फेंकना है। और ये ताला, जंग लग गया उसको, वो भी काम का नहीं है। और ये चाबी का गुच्छा, उसका एक भी ताला नहीं है अपने पास अभी, क्या फायदा रख के? ए माधवी, ये तो मेरे पहली साइकिल का लॉक और हवा भरने का पंप है, इसको क्यों फेंकना है? साइकिल है अपने पास और ये हवा भरने के पंप की खुद की हवा निकल गई है, देखिए हवा। माँ,
ये तो हमारे जमाने का रेडियो है, खराब हो गया है। ठीक है। अरे ये गॉगल क्यों फेंका तुमने? पता है ये गॉगल मुझे मेरे काका ने गिफ्ट किया था मेरे कॉलेज का पहला दिन। बोला आत्मिया ये गॉगल पहन के जाओ, बहुत अच्छे दिखोगे। अरे क्या दिखता था मैं गॉगल पहन के एकदम। फोटो काढू? नहीं खराब है। ठीक है। अरे लट्टू क्यों फेंका तुमने? अरे पता है हमारे जमाने में स्कूल में मैं लट्टू घुमाने में चैंपियन था, गोल्ड मेडल जीता था मेरे कंपटीशन में। गोल्ड मेडल? व्हाट? लट्टू में ए मतलब मेडल। और मैं अभी भी वैसे ही घुमा सकता हूँ मालूम है? काय सांगता है ओ? दिखाइए बरो घुमा के। हां मैं अभी लो। पता नहीं है मैं कितना चैंपियन था, सब मुझ पे लट्टू होते थे। नहीं है ना ते नोक नहीं है ना, इसलिए मैं फेंक रही थी। कर लो तुम्हारा। मेरे स्कूल के जमाने की वाटर बॉटल क्यों फेंकनी है तुम्हें? मेरे स्कूल के जमाने की याद है ये। तो ढक्कन का त्याला काय उपयोग करता है सांगा बघू। अय्या एक मेन चीज तो भूल ही गई मैं। एक मिनट थमा। माधवी तुम्हें इस्त्री क्यों फेंकनी है? अरे पुराने जमाने की इस्त्री है, क्या कड़क इस्त्री होती है। आए आए हैंडल आए, कैसे करेंगे आप इस्त्री? कर नहीं सकते आप कुछ भी। सारी चीजें भंगार हो गई है, कचरा हो गई है, इसको फेंकना जरूरी ही है। क्या कब से भंगार 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 लगा रखा है? ये पुरानी चीजें भले ही लेकिन ये एंटीक चीजें मिलती नहीं है आजकल। कल को मैं भी पुराना हो जाऊंगा तो मुझे भंगार में बेच दोगी? देखिए मुझे वो सब पता नहीं है, ये सब कचरा है, आप इसे बाहर फेंक के आइए बस। कचरा? अरे माधवी ये मेरी पुरानी चीजें, मेरी यादें। आपकी ये पुरानी यादें करके चीजें जमा करते जाएंगे ना तो हमें नया घर लेना पड़ेगा। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, ये सब बाहर फेंक के आइए बरो। एक काम करते हैं, मुझे 3-4 दिन का वक्त दो, फिर मैं सोच के तय करता हूँ कि क्या रखना है और क्या फेंकना है। क्या सोचना है अभी आपको? कुछ नहीं सोचना है। 3-4 दिन क्या, 3-4 सेकंड भी नहीं दूंगी आपको। आप अभी के अभी ये कचरा सब बाहर फेंक के आएंगे। अगर आप फेंक के नहीं आए ना तो मैं हड़ताल करूंगी। घरत ले घरत कुटली हड़ताल? वो पता नहीं, लेकिन हो सकता है मैं आपसे बात करना ही बंद कर दूं, या हो सकता है खाने में मैं या तो रोटी बनाऊं या तो फिर सब्जी बनाऊं। अलग क्या करते हैं, ये तो तुमने सीधा अल्टीमेटम दे दिया मुझे। अरे एम्प्लॉय को भी जब काम से निकालते हैं ना तो 1 महीने की नोटिस देते हैं। एम्प्लॉय है आप? एम्प्लॉय है आप? माधवी तुम समझ नहीं रही हो, ये पुरानी चीजें मेरी दिल से जुड़ी हुई है। तो वो दिल में जगह रोकती है लेकिन घर में जगह रोकती है। आपका ना पुरानी चीजें फेंकने का मन ही नहीं करता है कभी, मुझे पता है। ऐसी बात नहीं है माधवी, इन पुरानी चीजों से मेरी यादें जुड़ी हुई है। हाँ तो पुरानी चीजों को ऐसे याद कीजिए ना, रखने क्यों है घर में? और आप ही तो कहते हो ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो जब घर में परिवर्तन होगा तभी तो घर में जगह होगी। माधवी ये चीजें मेरे लिए अनमोल है, मार्केट में इसका कोई मोल नहीं है। अरे माधवी ये तो कैसे समझाओ हिला? अरे मेरी नजरों से देखो इसे एक बार। आप मेरी नजरों से देखो इसे एक बार। माधवी मैं समझता था तुम्हारा दिल पापड़ की तरह नाजुक है, लेकिन नहीं, तुम्हारा दिल तो मिर्चे के आचार की तरह तीखा निकला। प्रशंसा के लिए खूब खूब आभार, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि थोड़ी देर पहले आपने मुझे ये बोला था कि माधवी तुम हाउसवाइफ हो, तो छोटी छोटी जगहों में ज्यादा से ज्यादा सामान रखना ये तुम्हारा टैलेंट है, तो तुम्हारा टैलेंट दिखाओ। तो मैंने अपना टैलेंट दिखाया। माधवी मैंने तुम्हें स्मार्ट बनकर घर में छोटी छोटी जगह बनाकर उसमें सामान रखने को कहा था, तुम तो ओवर स्मार्ट बनके मेरा सामान फेंक रही हो। अपने हिसाब से पलटी खा रहे हैं आप, अभी टैलेंट का ओवर स्मार्ट हो गया क्या? कमाल है। मैं
भी कुछ नहीं सुनूंगी, ये सामान घर में नहीं रहेगा। माधवी माधवी ये तानाशाही है। तानाशाही? ओ मर, अरे हमारे जमाने पर अत्याचार है ये, परिवार के सदस्य के हक पर आघात है ये। आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं वो सब किसी भी कीमत पर घर के बाहर जानी चाहिए, मतलब चाहिए। कर लो तुम्हारा। नहीं, आज ही चप्पल लेती। लो भाई एकदा तो खसरा भाई। माधवी तुमको मैंने कितनी बार समझाया कि ये भंगार नहीं है, हमारे जमाने की चीजें हैं, मेरी पुरानी यादें हैं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सॉरी हाँ, मुझे बहुत भारी दिल से तुम सबको अलविदा कहना पड़ रहा है, लेकिन आज भी तुम सब मेरे लिए उतनी अनमोल हो जितने पहले थे। लेकिन कोई तुम्हें कचरा कहे, भंगार कहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए ना चाहते हुए भी तुम सबका मुझे त्याग करना पड़ रहा है। क्या हुआ सोड़ी? ओए मेरी छड़, वो तेनू की होया? वो तेरी तबीयत तो ठीक है? ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा था? कुछ नहीं सोड़ी। अरे आदमी जब परेशान होता है ना तभी वो अकेले अकेले बड़बड़ाता है। तू मेनू दस की परेशानी है? दिल भर आया दोस्त। माधवी वेणी के साथ तेरा झगड़ा हो गया? इन्हें झगड़ा नहीं हुआ है, माधवी ने घर से निकाल दिया। तेनू? अरे मेनू नहीं, एनू। इस भंगार को? भंगार नहीं है ये, तुम भी नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझूंगा यार, वो एक दोस्त दोस्त को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? तो ट्राई तो कर। थोड़ी तुम तो जानते हो ना, ओल्ड इज गोल्ड। मैं समझ गया, वो कैरम जितनी पुरानी हो ना उतनी जोरदार होती है। अरे ओल्ड इज गोल्ड से मेरा मतलब है ये सारी चीजें जिन्हें कुछ लोग भंगार समझते, कचरा समझते, लेकिन ये भंगार नहीं है, ये एंटीक चीजें है। अरे हमारे जमाने की चीजों को माधवी ने कहा कि घर से बाहर निकाल दो, तो मैंने माधवी को रिक्वेस्ट की कि मुझे 3-4 दिन का टाइम दो, मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि इसमें क्या रख सकते क्या निकाल सकते, लेकिन उसने एक नहीं सुनी, मुझे अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम? हाँ। वो क्या अल्टीमेटम दे दिया माधवी वेणी ने? यही कि मैंने अगर इन चीजों को घर के बाहर नहीं निकाला तो वो हड़ताल कर देगी। ओहो माधवी वेणी एंटी हो गई है। सोड़ी अब मैं अपनी इन यादों को अपने पास नहीं रख पाऊंगा। ओए पिड़ू तू तो आज पारो का देवदास लग रहा है। माधवी ने कहा ये वाटर बॉटल फेंक दो, फिर कहा ये पुराना बेल्ट फेंक दो, फिर कहा ये पुराना ताला फेंक दो, एक दिन मैं पुराना हो जाऊंगा, बोले कि मुझे फेंक दो। ओहे पिड़ू वो इतना इमोशनल नहीं होते, वो मेरा हाल भी तेरी तरह ही है, और रोशन मेरी पुरानी गड्डी को भंगार कहती है। तू फिक्र ना कर, मैं माधवी वेणी को समझाता हूँ, चल। नहीं 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 नहीं, वो अभी किसी की कुछ नहीं सुनेगी। ओ पिड़ू वो तुझे ये भंगार 3-4 दिन के लिए कहीं रखना है ना? फिर से भंगार? मेरा मतलब है कि इस एंटीक को तुझे 3-4 दिन के लिए कहीं रखना है ना, मेरे घर पे रख ले, जब माधवी वेणी का गुस्सा शांत हो जाए तो समझा बुझा कर ये एंटीक ले जाना। अरे नहीं भाई सोड़ी, तुम्हारा घर मेरा घर बाजू बाजू में है, माधवी को पता चल ही जाएगा। तो जेठा भरा के घर? ना 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 बिल्कुल नहीं, वो 100 तरह के सवाल पूछेगा मुझे। तो हाथीपुरा? मुझे गोकुलम सोसाइटी में किसी के पास नहीं रखना है, अगर माधवी को पता चल जाएगा ना सोड़ी तो गोकुलम में महाभारत हो जाएगी। पॉइंट तो है। ओए पिड़ू रुक, तेरे इस एंटीक को रखने के लिए मुझे जगह मिल गई। कहाँ? सोसाइटी के ऑफिस में। वहाँ वैसे भी बहुत सारा भंगार पड़ा है। सोड़ी वहाँ पे भंगार नहीं है, सोसाइटी के सारे रिकॉर्ड्स है। तो साथ में ये भी रह जाएगा। ये अच्छा आइडिया सोड़ी, थैंक यू सो मच।
सोनी वाह वाह बहुत बढ़िया आइडिया दिया तूने। चल 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 है ना टॉप क्लास आइडिया। अच्छा चेती थोड़ा क्या जाम हो गया था। ओहो चल आराम आराम लाल ऐश शाबाश। चलो अभी मैं शांति से सोच सकता हूँ कि इसमें से क्या रखना है और क्या निकालना है। ओ तेरा काम हो गया अब मैं काम पे जाऊँ। नहीं नहीं सोनी मैं क्या बोलता हूँ अभी तुमने मेरी इतनी मदद की है तो पार्टी हो जाए। ओ तीन दिहाड़े पार्टी शार्टी। ए, पार्टी शार्टी वाली पार्टी नहीं चाय पार्टी। ओह यू मीन टी पार्टी। माला वाटल टी पार्टी। ओ वैसे माधवी वेड़ी की मसालेदार चाय के लिए मैं कैसे ना बोल सकता। आओ छोड़ी आओ आओ। अरे माधवी ओ माधवी। अरे छोड़ी भाई आप। सत श्री अकाल माधवी वेड़ी। सत श्री अकाल। फेंका। हाँ हाँ फेंक दिया। नक्की फेंका ना। हाँ नक्की फेंका क्यों। नहीं इतने खुश दिख रहे हैं आप इसलिए पूछा। हाँ वो मैंने तय किया माधवी के जिंदगी में हर काम खुशी से ही करना चाहिए और अभी तुम्हारी खुशी के लिए मैंने हमारा जमाना छोड़ दिया ऑफिस में। उड़े गए। नहीं अभी इन्होंने कुछ बोला ना। नहीं नहीं कहाँ कुछ बोला कुछ नहीं। नहीं नहीं सोड़ी भाई ने अभी बोला ऑफिस में ऐसा कहीं तरी। अच्छा वो ऑफिस में नहीं वो पिड़ू क्या है ना ऑफिस के पास खड़ा था वो अपना बंगार मतलब एंटीक लेकर और सोच विचार में था कि इसको मैं कहाँ ठिकाने लगाऊं तो मैंने इसे हिम्मत दी तो इसने मेरी बात मान के उस एंटीक बंगार मतलब उसको ठिकाने लगा दिया। काय सांगता है। हाँ सोड़ी भाई थैंक यू सो मच। अगर आप इनकी हिम्मत नहीं बढ़ाते ना तो ये कचरा फेंकते नहीं वापस घर में लेके आते। इसीलिए सोड़ी को थैंक यू बोलने के लिए सोड़ी को बोला मैं तुम्हें माधवी के आती मस्त मसालेदार चाय पिलाता हूँ। जा जाओ फटाफट सोड़ी के लिए चाय लेके आओ। अगर भाई सोड़ी भाई चाय पियेंगे। सोड़ी चाय भी पीता है। नहीं नहीं वैसे तो हमेशा लस्सी पीते है ना। लस्सी लस्सी नहीं नहीं वो चाय पीता है उसको पसंद है बोल रहा था मसाले वाली चाय। आप भी लेके आते हो सोड़ी बैठिए ना बैठिए। थैंक यू सोड़ी थैंक यू तूने वाकई बचा लिया संभाल लिया दोस्त। ए पिड़ू ओए हम यारों के यार हैं ओए यारों की मुसीबत को अपना समझ के गले लगा लेते हैं। इसी बात में गले लग जा दोस्त। ओए तू मेनू मुसीबत समझ रहे। अरे दोस्त समझ के गले लगा ला। नहीं नहीं सोड़ी ने गले लगाया। बस वैसे एंड पे तुम्हें अच्छा सुझा अभी मेरा हमारे जमाने का सामान सोसाइटी ऑफिस पे सुरक्षित। चलो सोसाइटी का इलेक्ट्रिक का बिल भर दिया इसे फाइल में रख देता हूँ कहीं बिल इधर उधर हो गया तो भीड़े भाई टेंशन में आ जाएंगे। बॉक्स तो यहाँ पर नहीं था। पुराना भंगार ये मुकुदम सोसाइटी की ऑफिस है कोई कबाड़ खाना थोड़ी कि कोई भी आकर अपना भंगार यहाँ छोड़कर चला जाएगा। आज एक ने रखा है कल दूसरा रखकर चला जाएगा। भीड़े भाई को बताना पड़ेगा कि ये भंगार जिसने भी रखा है उसको वो डांटे तगड़ा फाइन लगाए ताकि किसी और की यहाँ भंगार रखने की हिम्मत नहीं होगी। भीड़े भाई को जाके बताता हूँ। दर्शकों भिड़े और सोडी सोसाइटी ऑफिस में पुराना सामान छुपाकर इस तरह से रिलैक्स होकर बैठे हैं जैसे कोई नौकरी पेशा आदमी पूरी जिंदगी काम करने के बाद रिटायर होकर बैठता है या फिर कोई छुट्टी लेकर रिलैक्स होकर वेकेशन पे जाता है। अब अगर बिन मौसम बरसात होगी तो जाहिर सी बात है कि आप भीगेंगे क्योंकि उस वक्त आपके पास छाता नहीं होता और यहाँ अब्दुल को पता ही नहीं ये पुराना सामान किसका है और यही पूछने के लिए वो भिड़े के घर जा रहा है।
तो जब माधवी भाभी को पता चलेगा कि भिड़े ने भंगार फेंकने की बजाय सोसाइटी ऑफिस में छुपा लिया तो क्या होगा? भिड़े और सोडी की बैंड बजेगी। अब अब्दुल नाम का ये घना बादल भिड़े के घर की ओर चल चुका है। अब भिड़े और सोडी पर टेंशन की बारिश होने वाली है, लेकिन आपके घर पर हंसी और ठाकुर की बारिश होगी। देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.